हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैटायंस एंड एनायंस। जितने भी कैटायंस होते हैं और जितने भी एनायंस हैं, उन सब को हम सीरियल वाइज पढ़ने वाले हैं। अब कैटायन एनायंस हम ऐसे कह सकते हैं, कैटायंस यानी कि जो पॉजिटिव, जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, एनायंस हम उन्हें कहते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैटायंस भी पढ़ेंगे और एनायंस भी पढ़ेंगे। अब ये जरूरी क्यों है? अब जरूरी इसलिए है, अगर हम कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, कोई आयनिक वाला फॉर्मूला बनाते हैं जो आयंस के ट्रांसफर के थ्रू बनता है, जैसे कि NaCl, MgCl2, AlCl3, एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये हमें रटने नहीं पड़ेंगे कि कहाँ पे। बहुत से हमने कहा कि एल्युमिनियम सल्फेट बनाएंगे, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे Al और SO4 लिख देंगे एल्युमिनियम सल्फेट, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का या फिर माइनस का, सल्फेट के ऊपर प्लस का होता है या फिर माइनस का होता है। तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके साथ आयंस से हम, अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर आयंस लिखे हुए हैं, हम बता सकते हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या फिर किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो हम उस इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं। साथ में अगर हमें कोई भी स्ट्रक्चर बनानी हो, जैसे कि लुइस डॉट एक स्ट्रक्चर बनानी हो, तो हम इनकी मदद से आसानी से बना सकते हैं। तो आयंस की मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर हमें आयंस पता चल जाए कि किस पर कितना चार्ज होता है, कौन से कैटायंस होते हैं, कौन से एनायन, तो हम एसिड का फॉर्मूला बना सकते हैं, हम बेस का फॉर्मूला बना सकते हैं, हम साल्ट का फॉर्मूला बना सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आयंस याद कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आयंस को पढ़ते हैं एक बाई एक। अब से कि यहाँ पे हाइड्रोजन को लिखा जाता है H+, ध्यान रखना। और यहाँ पे नाम का भी बहुत फर्क होता है, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मतलब H+, अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे हाइड्राइड, तो यहाँ पे H+ नहीं होता, तब होता वहां पे H-। तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैं बोलूंगा अमोनिया तो होगा NH3, लेकिन जब मैं बोलूंगा अमोनियम तो होगा NH4+। तो नाम का बड़ा महत्व है, इसलिए हम पहले बता रहे हैं कि आपको नाम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने चाहिए कि वो एक्सप्लेन क्या किया गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन का हो गया H+, लिथियम का होगा Li+, सोडियम का हो गया Na+, और पोटेशियम का हो गया K+, रुबिडियम का हो गया Rb+, सीजियम का हो गया Cs+, और सिल्वर का हो गया Ag+। और साथ में हम, मैं ये भी बता दूं, जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है उन सब पे प्लस का 1 चार्ज, और जो सेकेंड ए एलिमेंट के ग्रुप है उनके ऊपर +2 चार्ज होता है। तो आप अगर डायरेक्ट आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आपको आयंस अलग अलग याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता चलाएगा कि जो फर्स्ट ए वाले उन पे +1 चार्ज, सेकेंड वालों पे +2 चार्ज। ओके, चलिए आगे। +2 चार्ज वालों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2, कैल्शियम के ऊपर होता है Ca2+, स्ट्रॉन्सियम Sr2+, बेरियम Ba2+, जिंक Zn2+, कैडमियम Cd2+। फिर 3+ वाले पढ़ लेते हैं, एल्युमिनियम के ऊपर Al3+, बिस्मथ Bi3+। इसके बाद नेगेटिव चार्ज वाले आयंस को पढ़ लेते हैं, जैसे कि हाइड्राइड H-, फ्लोराइड F-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-। और एक और चीज है, जो हैलोजन ग्रुप्स होते हैं, हैलोजन ग्रुप्स उन सब पे -1 चार्ज होता है। तो अगर आपको हैलोजन ग्रुप्स आते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है, तो उनको पार्टिकुलर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता होगा ये सारे हैलोजन्स हैं, तो सबके ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज होता है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं 2- वाले। तो यहाँ पे ऑक्साइड O2-, सल्फाइड S2-, नाइट्राइड N3-, फॉस्फाइड P3-, और फिर यहाँ पे कार्बाइड C4-। फिर यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो पॉली एटॉमिक, यानी कि एक से ज्यादा एटम्स जिसमें है, उनको हम क्या पढ़ते हैं। अभी तक हमने सिंगल एटम्स पढ़े, जैसे कि जो भी एलिमेंट थे उनके सिंगल एटम्स के जो आयंस थे हमने उनको पढ़ा, लेकिन अब हम लोग पॉली एटॉमिक पढ़ेंगे। पॉली मतलब एक से ज्यादा एटम्स, जैसे कि जैसे NH4 है तो उसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन 2 है, तो ये पॉली एटॉमिक आयंस कहलाएंगे। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, सबसे पहले पॉली एटॉमिक आयंस पढ़ते हैं। तो जैसे अमोनियम, मैंने बोला था ना NH4+, हाइड्रोनियम H3O+, ठीक है, उस तरह पॉली पे एनायंस, हाइड्रोक्साइड OH-, ठीक है, साइनाइड CN-, पेरोक्साइड O2-। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ये नहीं है कि हम जैसे चाहे वैसे सिंबल को लिख सकते हैं, आपको सिंबल जैसे बताएंगे कि जो हमेशा, अगर कोई एक लीटर सिंबल है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, 2 लीटर से तो फर्स्ट कैपिटल सेकेंड स्मॉल, तो ये नहीं कि जैसे सिंबल लिखे हुए आपको एग्जैक्टली वैसे ही लिख दे। आप ये ना सोचो कि OH लिखा मैं दोनों स्मॉल लिख लूँ OH, वो बिल्कुल गलत है, केमिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। कहाँ लगा, इन चीजों को बड़ा ध्यान रखना, जहां पे लगा है वो आपको वहां पे
टू माइनस समझ लीजिए एक प्रकार से पावर के फॉर्म में लगा और थ्री यहाँ पे नीचे लगा, ध्यान रखना थ्री यहाँ पे नीचे लगा और टू ऊपर पावर फॉर्म में ऐसे लगा, तो उनको बड़ा ध्यान रखना। फिर ऑक्सलेट C2O4 टू माइनस C2O4 और फिर उसके ऊपर टू माइनस। फिर नाइट्राइट, अब यहाँ पे देखो नाम का बड़ा ध्यान रखना, नाइट्राइट भी है और नीचे देखो नाइट्रेट भी है, तो दोनों का अलग अलग है। तो नाइट्राइट जो होता है NO2 माइनस होता है और नाइट्रेट जो होता है वो NO3 माइनस होता है। वैसे यहाँ पे देखो फॉस्फाइट, फॉस्फाइट होता है PO3 3 माइनस और फॉस्फेट PO4 3 माइनस, तो इन चीजों को बड़ा ध्यान रखना। फिर यहाँ पे देखो सल्फाइट दिया है, ध्यान रखना सल्फाइट मैंने बोला, तो सल्फाइट मतलब SO3 2 माइनस। फिर सल्फेट बोला तो सल्फेट मतलब SO4 2 माइनस। फिर थायोसल्फेट S2O3 2 माइनस, ध्यान रखना S यहाँ पे 2 हो गया तो S2O3 2 माइनस, तब ये बोलेंगे हम इसको थायोसल्फेट। तो देखो हाइपोक्लोराइट, क्या बोला हाइपोक्लोराइट, तो ClO- ओनली ClO-। फिर क्लोराइड, केवल क्लोराइड बोला तो क्या होगा ClO2- ClO2-। फिर क्लोरेट बोला तो ClO3- क्या बोलेंगे ClO3-। फिर यहाँ पे देखो परक्लोरेट ClO4- क्या बोलेंगे ClO4-। एसीटेट CH3COO-, ध्यान रखना। और अगर ऐसे कंबाइंड फॉर्म में लिखे फॉर्मूले C कितने हैं तो C2H3O2-, तो वो भी एसीटेट का ही फॉर्मूला है, लेकिन इसे एसिटिक एसीटेट लिखने को आए तो CH3COOH आप लिखते हैं, सोडियम एसीटेट लिखने को आए CH3COONA, तो ये थे। फिर आर्सेनेट ASO4 3-, बोरेट BO3 3-, ध्यान रखना। फिर सिलिकेट SiO3 2-, SiO3 2-, परमैंगनेट MnO4-, क्रोमेट CrO4 2-, क्या बोला CrO4 2-, फिर डाइक्रोमेट CR2O7 2-, CR2O7 2-, फॉर्मेट CHO2 2-, ओनली 1-, CHO2-, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, क्या होगा HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, तो HCO3-, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड तो यहाँ पे HSO3-, फिर हाइड्रोजन सल्फेट या फिर बाइसल्फेट तो HSO4-, फिर हाइड्रोजन फास्फेट HPO4 2-, हाइड्रोजन फास्फेट तो HPO4 2-, फिर डाई हाइड्रोजन फास्फेट तो H2PO4-। सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो डबल आयन शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्रोमियम दिया गया, तो क्रोमियम Cr2+ भी दिखाता है Cr3+ भी दिखाता है, दोनों चीज दिखाती है। तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वहां पे होता है जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने की जो प्रोसेस है तो उनके द्वारा भी होता है, उनकी स्टेबिलिटी को लेकर भी होता है। अब दोनों जो होंगे वो इसमें एक ज्यादा स्टेबल होगा दूसरा कम स्टेबल होगा, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट जो डबल वैलेंसी डबल आयन शो करते हैं, ठीक है, तो और उनके नाम क्या होंगे। अब उनके नाम में ये होता है, उनके नाम में या तो अस लगा होगा या फिर एक लगाएंगे। अब अस कहां लगाएंगे और एक कहां लगाएंगे ये मैं आपको बता देता हूं। जो अस लगता है जो छोटे नंबर हो, अब छोटे नंबर कुछ भी हो सकती है, दो जैसे दो वैलेंसी शो कर रहे हैं तो दो में दो आयन शो कर रहे हैं तो दो आयन में से जो छोटा नंबर हो, जैसे 2 3 शो कर रहे हैं तो 2 छोटा हो गया 3 बड़ा हो गया, या 1 और 2 शो कर, जैसे कि Cu+ शो करता है Cu2+ शो करता है तो 1+ वाला छोटा हो गया Cu2+ वाला बड़ा हो गया। अब जो अस होगा वो हमेशा छोटे के साथ लगेगा छोटे नंबर के साथ, और एक जो लगेगा वो बड़े नंबर के साथ लगेगा। अब यहाँ पे देखो तो इसे Cr2+ क्रोमियम का क्या होगा, दो वैलेंसी है Cr2+ और Cr3+, अब इनका जो नॉर्मल नेम हम लिखेंगे क्रोमियम सेकेंड एंड क्रोमियम थर्ड, ये नॉर्मल नाम हो गया। अगर हम उसको लिखना चाहें एक अस और एक लगा के तो क्या लिखेंगे क्रोमस, क्या लिखेंगे क्रोमस, और उसको क्या लिखेंगे क्रोमिक, क्रोमस और क्रोमिक। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट को के भी दो वैलेंसी होते हैं CO2+ और दो आयन्स होते हैं CO2+ और CO3+, तो कोबाल्ट सेकेंड एंड कोबाल्ट थर्ड। और अगर अस एक में लिखें तो जो कम वाले को लिखेंगे कोबाल्टस, अस लगाएंगे और बड़े वाले को लगाएंगे एक तो कोबाल्टिक, ओके। कॉपर Cu+ Cu2+ तो कॉपर फर्स्ट कॉपर सेकेंड, और कॉपर फर्स्ट को लिखेंगे क्यूप्रस और बड़े वाले को लिखेंगे क्यूप्रिक। ऐसे आयरन Fe2+ Fe3+ तो आयरन सेकेंड आयरन थर्ड, फेरस फेरिक, लेड भी दो से करता है Pb2+ Pb4+ तो लेड फोर सेकेंड लेड फोर, प्लम्बस प्लम्बिक, कम वाले को प्लम्बस ज्यादा वाले को प्लम्बिक।
एंड मैग्नीज भी Mn2+ एंड Mn3+। अच्छा एक चीज आपको बता दें, मैग्नीज और मैग्नीशियम में डिफरेंस होता है। मैग्नीज जब लिखेंगे तो Mn लिखते हैं, मैग्नीशियम लिखेंगे तो Mg लिखते हैं, तो नो कन्फ्यूजन। ओके, तो मैग्नीज जो होगा मैग्नीज सेकेंड एंड मैग्नीज थर्ड। मैग्नीज जो सेकेंड क्योंकि कम आयंस है तो मैग्नस बोलेंगे, और ज्यादा वाले को मैग्निक बोलेंगे। फिर Mn4+ यहाँ पे तो मैग्नीज फोर्थ बोलेंगे। फिर इसके लिए कोई भी नाम यहाँ पे नहीं बताया गया है। फिर मरकरी Hg2+ और Hg+ और Hg2+। ठीक है, तो मरकरी फर्स्ट एंड मरकरी होगा और Hg2+ होगा। तो जो कम वाले को मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। पे टिन Sn2+ तो टिन सेकेंड स्टेनस उसको बोलेंगे, और Sn4 तो टिन 4 स्टैनिक बोलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।